चार हजार रुपये होल्ड नहीं किया तो और टूटेगा अभी तो डाउनवर्ड शुरू हुई है मेरे भाई तू देखता जा अर्षद गए इस बार अपने को जलवाजी में खरीदना नहीं है अपने को में बनकर दे रहने में। देख इस बार अपना लक अच्छा था सारे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे यही सही टाइम है इस सट्टा बाजारी से बाहर निकलने का सन्यास ले लेना चाहिए किसी बातें कर रहे हैं आप अरे इतना सब प्लानिंग किया मार्केट में रहने के लिए और आप मार्केट से निकलने की बात कर रहे हैं मैं मार्केट से बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूं अब से इस ट्रेडिंग के टंटे में नहीं पड़ना है यार ओनली वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग यार अच्छी सी कंपनी में अच्छे से शेयर में बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड जस्ट वेट फॉर लॉन्ग टर्म फोकस ऑन द बिग ट्री एंड मेक बिलियंस मे बी बिलियंस मे बी ट्रिलियंस तो आपने देखा जो आपको मैंने एक मिनट का जो सीन दिखाया मैंने आपको 1992 का स्कीम का देखो ये चीज़ ना आप कहीं पर लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं सीख सकते नहीं सीख सकते और कोई सिखाने वाला है भी नहीं लेकिन आप ना फ्री में भी सीख सकते हैं अगर आपके अंदर वो मतलब थोड़ा बहुत टैलेंट हुआ या फिर सीखने की इच्छा हुआ देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाता अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता समझ में आ रहा हो ना मार्केट में सेम वही चीज़ है मार्केट में लॉस उनको नहीं होता है जो लॉस कर लेते हैं गलती से लॉस बार बार उनको होता है जो बार बार सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं समझ लो ना अभी यहां पर मैंने वहां पर उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको बिलियन में या ट्रिलियन में खेलना है तो फिर आपको क्या करना है बस वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है आराम से चुपचाप खरीद के बैठ जाना है कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करोगे फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे करोगे तो होगा बड़ा मुनाफा होगा लेकिन जब लॉस होगा ना तब आपको समझ में आया कि भाई ये नहीं करना चाहिए था और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने लोग जोश में आते हैं या फिर कुछ मतलब मान लेते हैं कुछ दिनों के लिए खरीदते हैं फिर बेच देते हैं वो लोग मैं आपको बताना चाहता हूं ठीक दो तीन साल के बाद वो सुधर जाते हैं और ऐसा सुधर जाते हैं कि आप मंदिर में आप देख सकते हो जिस तरीके से एक पंडित होता है ना उनको केवल भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता उस तरीके से वो सुधर जाते इतना बड़ा भक्त बन जाते हैं वो भगवान के आप उनको कुछ भी बोल दो वो एकदम संन्यास ले लेंगे सोच लो उसके बाद कभी इंट्रा फ्यूचर ऑप्शन वो नहीं करते केवल वैल्यू इन्वेस्टिंग तो आज के डेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के डेट में मार्केट में गिरावट देखने को मिली है बहुत सारे लोग डरे हुए हैं बहुत सारे लोग डरे हुए हैं आप सोच रहे भाई करें तो करे क्या बाजार में तो गिरावट है पिछले पांच दिनों से अभी लगभग थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है और मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई पे है कहीं गिर गया तो फिर मैं तो मेरा तो काम खत्म हो जाएगा तो आज मैं आपको वैल्यू रुपया करोड़ों रुपय मतलब रुपय में बदलने में कितना टाइम लगेगा पता है लग साल भर। साल भर ही लग। मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा बोल दिया साल भर का टाइम जो मैंने आपको बोल दिया ज्यादा बोल दिया शायद सिक्स मंथ में या थ्री मंथ में भी हो जाए सोच लो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो भी एकदम छोटे से केवल एक लाख रुपए किसके पास नहीं होता छोटे निवेशक के पास भी होते हैं बड़े निवेशक के पास भी होते हैं लेकिन निवेश करने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं गिने चुने के लोग उनके पास होते हैं तो आज मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि कैसे एक लाख रुपए से इकतालीस लाख रुपए और पॉइंट आप नोट कीजिएगा ऐसा स्टॉक नहीं बताऊंगा जो पैनीज स्टॉक्स रहेंगे ऐसा स्टॉक्स भी नहीं बताऊंगा जो मल्टी बेगर स्टॉक्स रहेंगे हाई क्वालिटी अंडर वैल्यूड और जो कंपनी है ना बहुत जबरदस्त कंपनी है इसके ऊपर मतलब कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो सकता कि भाई ये कंपनी गलत है नहीं यार ये कंपनी प्रॉफिट नहीं दे सकती कोई भी नहीं बोल सकता ऐसा मेरे ऐसा मेरे तरफ से लगता सही है, है? सही और भगवान डालते हो, तो आने वाले दस सालों में आपको पचास लाख तक भी आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है बहुत सिंपल है यहां पर देख सकते हैं योर वन लैख वुड स्टॉक ना ही ये एच टेक्नोलॉजी है ना ही ये विप्रो है ना ही ये इन्फोसिस है और ना ही ये टी है सही है इतना इस चारों पाँचों में से किसने भी इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है पिछले दस सालों में इसने जो है इतना बड़ा मुनाफा कर दिया है और देखो पिछले दस सालों में तो बहुत सारे ऐसी कंपनी है जहाँ पर अगर आपने केवल एक लाख रुपये डाला होता तो आपको एक करोड़ देखने को मिल जाते एक करोड़ सोचो करोड़ों कमाने के लिए मुझे लगता है इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन करते रह जाओगे लेकिन नहीं हो पाएगा यहाँ पर आपको सही है तो उसके बाद नीचे जो आपको कंपनी का नाम बताया जा जा रहा वो आप देख सकते हो बहुत सिंपल रहेगा तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा लेट्स टेक माइंड ट्री शेयर माइंड ट्री माइंड ट्री शेयर को यहाँ पर लिया जा रहा है दिस आई टी स्टॉक हैज सर्ज फ्रॉम एटी वन पॉइंट सेवन फाइव पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा स्टॉक लेवल टू थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट फोर्टी वन टाइम हो चुका है इन लास्ट टेन ईयर्स में ऑलमोस्ट फोर्टी वन टाइम भाई कम से कम एक लाख रुपए का अगर दस लाख रुपए भी मिल जाए ना दस साल में तो मैं आपको बोलूँगा समझ लो कि ये स्वर्ग मिल गया है बस इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा और ये तो फोर्टी वन बोल ये तो आपको फोर्टी वन देने की कोशिश कर रहा है मतलब जो थर्टी या वो एक्स्ट्रा है मैं आपको बोलूँगा वो तो फालतू पैसे हैं हमारे पास इतना समझ लो इतना बड़ा रिटर्न दिया है जिस कंपनी का नाम है आई टी, आई -टी सेक्टर का स्टॉक जिसका नाम है माइंडली यहाँ पर अब इसने लगभग जो पाँच हज़ार परसेंट के रिटर्न दे चुके हैं अब एक बार मैं आपको बता दूँ ये स्टॉक में लगभग गिरावट भी हो चुका था और गिरावट कितना था तो लगभग सिक्सटी फोर परसेंट तक का गिरावट था अब देखो ये गिरावट एक्चुअली में होता क्या है बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसके आई काफ़ी अच्छे आते हैं लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है धीरे धीरे रीज़न समझने की कोशिश करो आई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होता है और लोग भी यही चाहते हैं कि मैं जिस आई में निवेश किया हूँ वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है प्रीमियम दे तभी तो बेनिफिट देखने को मिलेगा डबल हो जाए तो वही जो प्रीमियम यहाँ पर मिलता है उसको ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं याद रखो वैल्यू आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है ना कि आपको सट्टा बाजार में आपको पैसा लगाना है तो जो ऑलरेडी जो है डबल हो चुके हैं ट्रिपल हो चुके हैं केवल मान लेते हैं खबरों के दम पे, तो वो स्टॉक तो थोड़े बहुत करेक्शन होंगे और करेक्शन होने के बाद फिर भाग लेते हुए नजर आएंगे अभी देखेंगे कि माइंट्री का फाउंडर कौन था है कि नहीं है माइन्ट्री में देखेंगे तो हमें केवल एक ही सबको मतलब है तो बहुत सारे लोग लेकिन हमें केवल एक ही को फोकस करना है और वो है यहाँ देख सकते हैं अशोक सुट्टा जी अशोक सुट्टा जी यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने भी लगभग माइंड्री को खड़ा किया था हालांकि विप्रो को भी विप्रो में इनका भी योगदान दिया गया विप्रो में भी आप देख सकते हैं अशोक सुट्टा जी का लगभग एज बहुत ज़्यादा हो चुका यही है यही बोलते हैं ना कि कोई भी एज मतलब कम या ज़्यादा नहीं होता कोई भी काम को करने के लिए है कि नहीं है और इन्होंने आजकल के डेट में माइंड ट्री को छोड़ के अपनी खुद की कंपनी बना ली है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड तो यहाँ पर देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड हैप्पीएस्ट माइंड भी आज के डेट में लगभग एक से दो परसेंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ने भी बहुत बहुत गजब का रिटर्न दिया है जब से ये कंपनी आई है तो पाँच सौ परसेंट का तो इस कंपनी ने रिटर्न दे रखा है अब लोग बोले हैं कि भाई यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि वो टू फिफ्टी या थ्री हंड्रेड परसेंट के आसपास ही रिटर्न देखना फाइव हंड्रेड कहाँ हो गया देखो फाइव हंड्रेड का रिटर्न उनको देखने को मिल रहा होगा जिन्होंने लगभग जो है आईपीओ में जिनको अलॉटमेंट देखने को मिला होगा सही है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला अब जब स्टॉक आया था तो थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिली थी दस बीस तो ये स्टॉक गिरी चुका था बारह पंद्रह उसके बाद फिर देख सकते ये स्टॉक लगभग हाई लेवल पर लेके जाए तो तीन से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है सही है ये अभी बताया जा रहा लेकिन आईपीओ के लेवल से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रिटर्न दे चुका और ये कंपनी के फाउंडर कौन है तो अशोक सुट्टा जी अशोक सुट्टा जी सेम मैनेजमेंट है सेम और सेम सेक्टर का कंपनी है और जब माइंड्री नया नया था तो भी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अब ये कंपनी भी नया है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो आने वाले दस सालों के लिए रखते हो तो ये कंपनी आपको कुछ खास नहीं बहुत कुछ रिटर्न निकाल के दे सकती है आपको और यहाँ पर देख सकते हैं अशोक सुटर जी ने ही ये देख सकते हैं हैप्पीस्ट माइंड का जो है फाउंडर हैं सोच सकते हैं मतलब इनकी लगभग जो है जो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और याद रखो कि आजकल के डेट में अगर आप एक डिग्री लेके जाते हो सही दो लोग हैं एक डिग्री लेके जाता है सेम डिग्री है तो उनको देते हैं टेन थाउजेंड का पेमेंट और दूसरे इंसान भी सेम डिग्री है लेकिन उनको देते हैं भाई फोर्टी थाउजेंड का पेमेंट अब ये कैसे हो सकता है पता है कैसे हो सकता है सेम कंपनी में सेम डिग्री है लेकिन भाई सेम और मार्क्स अगर आप बोलो कि नहीं भाई हो सकता है वो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा अच्छा हो नहीं दोनों का मान लेते कि भाई सेवेंटी ही आया होगा दोनों का सेवेंटी है लेकिन फिर भी क्यों भाई एक का पेमेंट टेन थाउजेंड है दूसरे का फोर्टी थाउजेंड है इस दोनों का बीच का जो एक्सपीरियंस है ना उसको बोलते हैं इन टैजेबल असेट और इनटैंजेबल असेट का मतलब होता है ह्यूमन का इंटेंजेबल असेट उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस इंसान के पास सब कुछ आ सकता है मिनटों में लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना भाई वो तुरंत नहीं आता तो ये जो बंदा है ये अभी मतलब नया है अभी नया है और ये जो बंदा है पिछले तीस चालीस पचास सालों से काम कर रहा है भाई तो समझो सेम कंपनी में सेम डिग्री के साथ और सेम मार्क्स के साथ याद रखो एक बंदे को लगभग चालीस से पचास हजार रुपया का पेमेंट दिया जाता है एक को दस हज़ार तो इसके बीच में डिफरेंस जो है आप समझ में आ चुका होगा और जिसके पास एक्सपीरियंस है दुनिया वही चला सकता है सभी लोग नहीं चला सकते हैं उसी तरीके से आई सेक्टर में आज के डेट में भी देख सकते हैं कि अशोक सुटा जी जो है मैन जैसे कंपनी यहां पर ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर आप मान सकते हैं कि एक लाख रुपए भी डालते तो आने वाले एक सालों में मुझे लगता है पचास लाख से एक करोड़ रुपए तक आपको बना के दिखा सकता है आने वाले दस सालों में अब सोच लो आपके पास अगर पेशेंस है जैसे मैंने आपको वीडियो के सामने में मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है एकदम बड़ा पैसा डाल दो बाजार में हाँ अच्छे स्टॉक्स में और लंबे समय के लिए वेट करो और मिलियन टिलियन जिसमें आपको कमाना है आराम से कमा सकते हो जैसे कि राकेश झुंझुनवाला को जाना जाता है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है लेकिन यह कोई नहीं जाता कि टाइटन को उन्होंने खरीदा था दो रुपए में और अभी तो टाइटन का प्राइस जो है लगभग सेवनटीन के आसपास चल रहा होगा ऐसे ही कुछ है कि नहीं है लेकिन यह सभी को पता कि हाँ भाई हो सकता है है कि झुंझुनू वाले दो रुपए का शेयर खरीदा अभी दो हजार होने वाला के लिए तैयार है हम तो बीस दिन के बाद ही बोलने लगते स्टॉक गिर रहा तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश वाला आज के डेट में भी गरीब है अमीर तो हम हैं हम लोग अमीर हैं क्योंकि हमसे 20 दिन भी वेट नहीं किया जाता और राकेश झुंझुनवाला जैसे लोग 20-20 साल वेट कर लेते हैं आप फर्क समझ सकते हो यहां पर और देखो मार्च और जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आया पी एस का वो स्टेबल है और कंपनी को काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो भाई पता करो ना फिर बैठी क्यों हो यह जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है ये आपको पता होना चाहिए और आज आप जो मोबाइल यूज करते हो आज के ठीक दस साल पहले अगर चले जाओ पुराने जमाने में तो किसी के किसी किसी के पास हुआ करता था मोबाइल और आने वाले आज से ठीक आने वाले दस सालों में याद रखो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रिलेशनशिप टू मान लेते हैं कि टेन में बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करता था लेकिन आज टू में सभी के पास है टू है पता है लेकिन फिर भी ले लेते हैं टेन दस साल का डिफ्रेंस आज सभी के पास है एक कॉमन चीज़ हो चुका है आज के पास सभी के लोगों के पास है लेकिन आने वाले दस सालों मतलब में मतलब मान लेते हैं टू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई मैं कहाँ था मैं कहाँ था और ऐसी ऐसी कंपनी लगभग आसमान छू रही होगी तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग एलन मस्क हो या बड़े बड़े आप देख सकते हो लगभग जो जेफ बेजर हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ज़्यादा ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ड्रोन वगैरह देखो जेफ बेज़र जो लगभग वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है वो उनका काम क्या है कि लगभग अमेजोन वो यहाँ से वहाँ इंपॉर्टेंट जो उनका कोई कोई सामान होता प्रोडक्ट होता देते हैं तो उन्होंने किया क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा अगर आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो अमेज़न से मंगवाना है बहुत जल्दी मतलब इमरजेंसी में मंगाना है और कुछ इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप नहीं चाहते हो कि भाई कोई थर्ड पर्सन को पता चले या फिर थर्ड पर्सन कुछ भी कर सकता है तो आप डायरेक्ट मंगा सकते हो ड्रोन से और बहुत जल्दी सेफली आपके घर के सामने आपको ला देगा तो जेप प्रेजेंट ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में और भाई एलन मस्क का तो बात ही क्या करें उनकी पूरी कंपनी भी अगर डूब जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वो डुबाने के लिए तैयार है आपको पता ही है कि वो दाव पर लगाने के लिए सब कुछ तैयार होते हैं और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर लगा रखे हैं तो भाई मैं आपको बोलूँगा जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का तो समझा करो कंपनी लंबे समय में बहुत तेज चलने वाली है बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी आज के डेट में भी गिरावट में भी लोगों ने लगभग चालीस के आसपास हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश की है हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गया होगा मुझसे बाकी आप खुद ही देख सकते हो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो आने वाले दस साल या बीस साल के लिए तो आप देख सकते हो बाकी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और स्टॉक्स पे जा सकते हो और बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो कोई और स्टॉक आप चूज़ कर सकते हो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकाउंट एंजल ब्रोक में ओपन कर सकते हो नंबर वन स्टॉक ब्रोकर आपको देखने को मिल रहा है देखो मेरे हिसाब से आपको डिमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिले जैसे एंजल एंजल में आपको एन एस सी म्यूचुअल फंड सभी कुछ देख सकते हो खरी ये खरीद सकते कोई टेंशन की बात नहीं है और जो चार्जेस वगैरह होता है डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री होता है डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री केवल ट्वेंटी रुपीज़ लगता है वो भी इंटर्ड जो हर जगह देखने को मिलता तो है तो अनजान जगह डिमिट अकाउंट ओपन मत कीजिएगा भी ब्रोकेज जैसे लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं जैसे लास्ट टाइम डिमिट अकाउंट और पैसा दोनों लेके भाग गए थे यहाँ पर आपको ना वाच लिस्ट बना के बताया जाता है जिसमें बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या खरीदना है नहीं खरीदना है ये सारी चीज़ आपको बताई जाती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिनटों में जाकर अपना डिमिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं